आज ही हम वीडियो में देखने वाले हैं कि आइटम में इमेज कैसे लगाएं और उसे इनवॉइस और एस्टीमेट में कैसे दिखाएं। आइटम में जब आप आइटम बनाते हैं या एडिट करते हैं, यहाँ राइट साइड में ऑप्शन है आइटम की इमेज दिखाने के लिए। आप आइटम की इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद अगर आप इसे बिल में दिखाना चाहते हैं, एस्टीमेट में दिखाना चाहते हैं, आपको टेम्पलेट सेटिंग्स में जाना है। आइटम टेबल में यहाँ एक ऑप्शन है डिस्प्ले आइटम इमेज, ये आपको ऑन करना है। ये ऑन करने के बाद आपको सेव कर देना है। अब आप जब भी बिल बनाएंगे, बिल जब आप व्यू करेंगे, तो आपको आइटम की इमेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है। आप इमेज इनवॉइस में देख सकते हैं, इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। ये देखिए, प्रिंट में भी आएगा ये। आप इससे पीडीएफ भी बना सकते हैं, आप किसी को मेल करना चाहें तो भेज सकते हैं। अगर आप एस्टीमेट में भी इमेज आइटम लगाते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं आइटम की इमेज शो हो रही है। अब पहले नहीं होती थी, अब आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आप तो सेटिंग्स में, टेम्पलेट सेटिंग्स में जाना है, उसमें आइटम टेबल में डिस्प्ले आइटम इमेज आपको ऑन कर देना है। एंड आप आइटम की इमेज अपने एस्टीमेट एंड इनवॉइस में दिखा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।